नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। अभी 10 मिनट के बाद आप जब टीवी खोलेंगे तो आपको दो राज्यों के, महाराष्ट्र और हरियाणा के एग्जिट पोल दिखाई देने लगेंगे और उसमें एक पूरा खाका आपके सामने आएगा कि कहां पर कौन जीत रहा है। और आप दो दिन के भीतर ये भी देखेंगे कि जो टीवी चैनल कह रहे हैं कौन कहाँ जीत रहा है, वो जीत भी रहा है कि नहीं जीत रहा है। लेकिन एक चीज़ के ऊपर टीवी चैनल आपको शायद सही बात ना बताए, और वो बात है कि आखिर महाराष्ट्र में और हरियाणा में इतना कम मतदान कैसे हुआ। मतदान बदलते दिनों के साथ और सरकार के ऊपर, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिस पार्टी की भी सरकार हो, उसके प्रति विश्वास अगर बढ़ता है तो मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। मतदान का प्रतिशत 51% हो, 50% हो या 43 से 44% हो, ये बताता है कि राजनीतिक दलों के प्रति या सरकारों के प्रति जो विश्वास लोगों में होना चाहिए वो बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। मैं बंबई में हूँ और इस चुनाव को देखने ही यहाँ आया हूँ। मैंने कई लोगों से बातचीत की, आखिर मतदान का प्रतिशत कम क्यों है, आप क्यों घूम रहे हो, वोट डालने क्यों नहीं जा रहे। आप जानते हैं लोगों ने क्या कहा, बड़े कमाल की बात कही, जिसके ऊपर कम से कम सरकार विश्वास नहीं करेगी। उन्होंने कहा, आना तो बीजेपी को ही है। मैं चौंका, मैंने कहा क्यों, भारतीय जनता पार्टी को क्यों आना है, क्या इतना ज्यादा समर्थन है उनका यहाँ पर। लोगों ने मुझे कहा नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आएगी क्योंकि चुनाव ईवीएम से हो रहा है। अब अगर ये लोगों के मन में बात घर कर गई कि ईवीएम से चुनाव का मतलब भारतीय जनता पार्टी का जीतना, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। इसका एक मतलब ये निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और सरकार ने लोगों के मन के भीतर पैदा हुए इस संदेह को समाप्त नहीं किया है कि ईवीएम निष्पक्ष है, ईवीएम सही है और ईवीएम से चुनाव हुआ सही चुनाव है। ये अविश्वास और ये संदेह लोगों के मन में भरा हुआ है। इसीलिए महाराष्ट्र में, जहां इतना कम प्रतिशत मतदान हुआ है, 43-44 के आसपास हुआ है, वो क्यों हुआ है इसका कारण जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है ये कारण जानना। दूसरी चीज, ये फैसला सरकारों के कामकाज के ऊपर नहीं है कि फडणवीस सरकार ने अच्छा काम किया या खट्टर साहब की सरकार ने अच्छा काम किया या दोनों ने बुरे काम किए या उनका विश्वास विपक्षी पार्टियों के ऊपर है या उनका विश्वास इस सिस्टम के ऊपर। दरअसल कहानी दूसरी है। कहानी यह है कि जब लोगों का विश्वास सिस्टम के प्रति पैदा हो जाए तो खतरनाक चीज़ होती है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक चीज़ होती है। और मेरी ये बात उनको समझ में आएगी जो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, जो देश में लोकतांत्रिक पद्धति चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जनता की सचमुच की चुनी हुई सरकार काम करे। अगर उस सिस्टम के ऊपर, उस व्यवस्था के ऊपर जो चुनाव कराती है या जिस तरीके से चुनाव कराती है, जिस चीज से चुनाव कराती है, यानी ईवीएम में बैलेट, वहां पर गड़बड़ी है, उसका विश्वास कम होना लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास कम होना है। और ये चीज आज हरियाणा में भी दिखाई दी, महाराष्ट्र में दिखाई दी, टेलीविजन चैनलों को नहीं दिखाई, क्योंकि उनके लिए तो एक फोटो अपॉर्चुनिटी हमारे बहुत सारे साथियों के लिए है कि कब कौन सिनेमा का एक्टर या एक्ट्रेस घर से निकला, कैसे गया, कैसे डाला। टेलीविजन चैनल अगर ये बहस करते, ये चर्चा करते कि इस चुनाव व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना लोकतंत्र का की मुख्य कसौटी है, लेकिन वो चर्चा टेलीविजन के जरिए नहीं हुई और एक भ्रम फैला, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रम ये फैला कि अब तो यही सरकार आने वाली है। जनता को ये लगा कि ये सरकार इसलिए आएगी क्योंकि इस सरकार का चुनाव एक ऐसी मशीन के द्वारा हो रहा है जो मशीन संदेह के घेरे में आ गई है। सोशल मीडिया इसका अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर ये संदेह और संदेह के उत्तर और संदेह के समर्थन में सारी चीज़ें सामने हैं, लोग उसमें से क्या अपने लिए चुनते हैं ये लोगों के ऊपर है। पर आज मुंबई में जो दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि लोगों का भरोसा डगमगाया है
और उन्हें लग रहा है कि चुनाव कराने का तरीका कहीं न कहीं दोषपूर्ण है। जो भी रिजल्ट आए, क्योंकि रिजल्ट सरकार ने तय किया है कि वो चुनाव कराएंगे ईवीएम मशीन के जरिए, बिल्कुल कराइए, पर मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, ये संदेह लोगों के मन से दूर किए अगर आप नहीं दूर करेंगे तो उन देशों की तरह कहीं हम उस स्थिति का सामना न करें कि हम जीत तो गए, मुगाबे की तरह से जीत तो गए, वोट भी हमको बहुत आ गए, लेकिन जनता ने हमारी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। ये एक बार 84 के चुनाव के बाद ये हो चुका है 89, और वो उसके गवाह अभी बहुत सारे जिंदा हैं। ये अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता दिया है, जिसने दीनदयाल उपाध्याय जैसा नेता दिया है, जिसके दो नेता भी जीवित हैं, मुरली मनोहर जोशी और सबसे बड़े लाल कृष्ण आडवाणी। इसलिए ये चुनाव जिसने मेरे मन में एक डर पैदा किया है, और वो डर है कि लोगों के मन के भीतर सिस्टम के ऊपर से, चुनाव आयोग के ऊपर से, और चुनाव कराने के तरीके को लेकर के संदेह बढ़ रहा है, और ये संदेह देश के लोकतंत्र के लिए घातक है, खतरनाक है। मुझे नहीं पता आप में से बहुत सारे लोग इसके समर्थन में होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा तेज बोलते हैं, जो सोशल मीडिया पर रहते हैं, या मैं जो अभी कह रहा हूँ इसके विरोध में कमेंट लिखने लगेंगे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि इस देश के लोग जो नहीं बोलते हैं उनको, वो क्यों नहीं बोलते हैं, और वो अगर वोट डालने नहीं जाते हैं तो क्यों नहीं डालने जाते हैं। कम से कम महाराष्ट्र में मुझे देखने को ये मिला कि लोगों के भीतर एक अविश्वास है ईवीएम मशीन को लेकर के, और वो चाहते हैं कि एक बार, बहुत सारे लोगों ने मुंबई में कहा भी मुझे कि क्यों नहीं सरकार एक बार लोकसभा का चुनाव या किसी राज्य का चुनाव बिना ईवीएम मशीन के पुराने तरीके से बैलेट के जरिए करवा के देखती, एक बार करा के देख ले, मीडिया को पूरी आज़ादी दे उसको दिखाने के लिए, और अगर चाहे तो विदेशी मीडिया को भी आमंत्रित करे कि देखो हमारे यहाँ कितने अच्छे चुनाव होते हैं, और उस चुनाव में ये फैसला अगर हो जाए कि ईवीएम सही है या सही नहीं है, क्योंकि बैलेट से अगर चुनाव होगा जो फैसला आएगा वो फैसला इसको साबित करेगा कि ईवीएम सही है या ईवीएम नहीं सही है। क्या सरकार देश के लोगों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए इतना करेगी? मुझे नहीं पता करेगी या नहीं करेगी, पर मेरे मन में ख्वाहिश जरूर है कि सरकार एक बार पुराने तरीके से, बैलेट के तरीके से चुनाव कराए। इसलिए कराए क्योंकि इस समय दुनिया के बहुत कम देश हैं जहां ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, और जहां इसका आविष्कार हुआ, जर्मनी में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, सारे पश्चिमी देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होता है। देखते हैं हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार और इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। नमस्कार।